नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेली टॉप 30 जीके एंड जीएस की आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के बारे में विचार करें। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस चली थी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सी है कि सभी विकल्प सही सुमेलित है, इसको आप अपना आंसर चुनेंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, वो ये कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, तो ये बात भी आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। देखिए, जब भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था तो उसमें जो मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या मात्र 10 थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसलिए हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 11। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन था, ये हुआ था 1976 में, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में इसे लिया गया था। और पहले इसकी संख्या 10 थी, बाद में 11वां जो है मूल कर्तव्य उसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो है ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए थे और इन्हें संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। एक बात और भी याद रखना कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी जो है अनुशंसा की गई थी 1957 में। और पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आता है, यानी कि सबसे पहले ग्राम आएगा, फिर तालुका आता है और फिर जिला आता है। आधुनिक भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई थी। प्राचीन काल में ये व्यवस्था पहले से ही लागू थी, लेकिन आधुनिक भारत में ये व्यवस्था 1959 में सबसे पहले नागौर जनपद राजस्थान में लागू की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में लाया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसे याद रखना कि भारतीय संविधान में समाजवादी जो शब्द है इसे किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। चार विकल्प आपके सामने है, सही जवाब बनेगा इसका 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। उसी के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, राज्य की एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर याद रखना इसको आप, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान है, अनुच्छेद 324 में ही संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के नियमों, निर्देशों और चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए क्योंकि वर्तमान में ये संदर्भित है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। शून्यकाल की अवधि, देखो ये जो काल होता है ये 12 बजे से शुरू होता है, तो इसलिए इसे शून्यकाल की संज्ञा दी जाती है, शून्यकाल। और ये जो होता है मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है, यानी कि 12 बजे से शुरू होकर ये 1 बजे तक चलता है, ठीक है, 1 घंटे तक ये चलता है। और आपको ये भी बता दें कि संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है, और मैंने आपको बताया कि यह 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होता है। और इसका जो आरंभ हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था, जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई थी।
शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस काल में जो प्रश्न पूछना होता है उसके लिए पूर्व से कोई सूचना नहीं देनी होती है, इसलिए जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां की विधानसभाओं में 60 से भी कम सदस्य हैं, तो ये जो राज्य हैं सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये अपवाद के रूप में आते हैं। तो यहां पर जो संख्या है वो 60 से कम मानी जाती है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध भी अभियोग चलाया जा सकता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध भी महाअभियोग लाया जा सकता है, लेकिन जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 155 के अनुसार करते हैं, और जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति पर अनुच्छेद 67 ख, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन पर अनुच्छेद 124(4) के अनुसार महाभियोग लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति पर अनुच्छेद 67 ख, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन पर अनुच्छेद 124(4) के अनुसार महाभियोग चल सकता है, लेकिन जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उन पर कोई भी महाभियोग नहीं चलता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप याद रखना। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? देखिए, जो अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है जिसमें भारत रत्न और पद्मश्री जैसे जो सम्मान है वो किसी भी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जो कि उल्लेखनीय कार्य करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात है, लेकिन 18(1) के अनुसार राज्य शिक्षा और सेवा जिसमें सामाजिक कला, साहित्य और विज्ञान आदि के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री जैसी उपाधियां दे सकता है, लेकिन इनको अपने नाम से पहले कोई नहीं लगा सकता है। ये उपाधियां 1954 से शुरू हुई थी और 1978 में इसे बंद कर दिया गया था। इसकी फिर से शुरुआत हुई है 1980 से, जो कि अब तक जारी है। कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना। तो ये जो तीन है ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? सहकारी समिति की का जो गठन होता है उसके लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और ये जो कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण होते हैं 1 वर्ष के लिए, उसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहकारी समितियों का जो गठन होता है वो किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? अब अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। सही जवाब क्या बनेगा? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। और यहां पर जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? देखो, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, क्योंकि पंचायती जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं आगामी कुछ समय में, तो ये क्वेश्चन भी संदर्भित है, यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 243 क से 243 ड तक पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत ग्राम सभा और अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के गठन का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपका जवाब होना चाहिए 15। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, संविधान का 52वां जो संशोधन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है कि संविधान का जो 52वां संशोधन है ये किससे अपना संबंध रखता है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए,
यानी कि जो 52वां संशोधन है ये दल बदल से संबंधित है। आपको यहाँ पर और भी बता दें कि ये जो 52वां संशोधन हुआ था वो 1985 में हुआ था और इसे राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी जो प्रावधान है उन्हें संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो जवाब आपका होना चाहिए 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी जो प्रावधान है उसका जो उल्लेख है संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है, बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। और बात करें अगर हम 61वें संविधान संशोधन की जो कि हुआ था 1989 में, तो इसमें मतदान की आयु सीमा को 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी साथ आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, भारतीय संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, तो चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि सर एडविन लैंडसियर लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने भारतीय संसद का जो है मतलब वास्तु इन्होंने ही तय किया था, डिजाइन बनाई थी। एक बात और भी याद रखना कि सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ही, इन दोनों ने ही मिलकर राष्ट्रपति जो भवन है उसका भी डिजाइन इन लोगों ने तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार थे वो भी यही दोनों लोग थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर बनेगा, वो मैं आगे आपको दे रहा हूँ। पिंगली वेंकैया के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, पिंगली वेंकैया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिंगली वेंकैया कौन थे, इन्होंने ही जो भारतीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किया था, तो ये नाम भी आप बिल्कुल याद रखना, पिंगली वेंकैया। अब एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, जो भारत का संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने। सही जवाब बनेगा इसका लॉर्ड इरविन। आपको बता दें कि जो भारतीय संसद है वो 1921 में बनना शुरू हुआ था और ये पूरा हुआ था 1927 में, तो 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से राज्यसभा का गठन कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, सही जवाब बनेगा इसका 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। कुछ और भी तारीखें हैं जो कि आपकी बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, जबकि यानी कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है और इसकी पहली बैठक होती है 13 मई 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, तो दोनों याद रखना कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, तो ये बातें बिल्कुल आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 79, 80, 81 या फिर 82, तो आपको बता दें इसका सही जवाब अनुच्छेद 80 में, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, विकल्प बी। अब बात करें अगर हम अनुच्छेद 81 की, तो अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा की संरचना से संबंधित है, जबकि संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है, तो तीनों अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये जो संख्या है वो 245 ही है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं, अधिकतम 250 हो सकती है, तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको जरूर आप याद रखना। ठीक है, वर्तमान में संख्या है 245, अधिकतम हो सकते हैं 250 और सबसे अधिक जो राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान में, एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि सबसे अधिक जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो किस राज्य से चुने जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा उत्तर प्रदेश, कुल मिला के 31 सदस्य चुने जाते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होता है, तो ये होता है कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग ये गणपूर्ति कोरम के लिए होता है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 250 सदस्य होते हैं तो कम से कम 25 सदस्य बैठक के लिए जरूरी होंगे, तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था किस देश से ली गई है, ये क्वेश्चन कई बार आता है और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इसका जवाब दे देते हैं
अमेरिकी संविधान जो कि गलत हो जाता है, सही जवाब बनेगा ब्रिटिश संविधान, ये जरूर याद रखना। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है और विधि निर्माण प्रक्रिया है, ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है, ठीक है। तो ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों चीजें ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, संसद की लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन सी। हालांकि जो आहूत करता है इसे वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम अध्यक्ष यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जब कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो उस समय जो कार्यवाहक होते हैं स्पीकर, उन्हें प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष कहा जाता है। तो इनका जो उनको जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। तो एक बात और भी आपको बता दें कि प्रोटेम अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष तो होते ही हैं, लेकिन इनकी जो नियुक्ति तब की जाती है जब किसी नई लोकसभा का गठन होता है। प्रोटेम अध्यक्ष लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और जो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं बाद में उनको भी जो शपथ दिलाई जाती है वो प्रोटेम अध्यक्ष ही दिलाते हैं। ये बातें तो काफी इंपॉर्टेंट रखती हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको भी शपथ जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष ही दिलाते हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, एक्चुअली में देखिए हुआ था ये पश्चिम बंगाल से, लेकिन पश्चिम बंगाल जो था उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चुने गए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है, और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो देखो यहां पर संघीय शब्द नहीं है, बाकी संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक तीनों शब्द आपको मिलेंगे। संघीय यानी कि फेडरेशन शब्द आपको नहीं मिलेगा, ये शब्द मिलता है एक जगह पर। इस शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यूज, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी। सेशन को लगातार जारी रखेंगे हम, और इसके लिए आपकी थोड़ी सी मदद मैं मांगता हूं, मदद ये मांग रहा हूं कि कंटिन्यू आप लोग वीडियो को वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए और लगातार हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, यह सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आपकी राय अपेक्षित है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।